आज हम बात करते हैं कि भारत कैसे सोने की चिड़िया था। भारत का 17वीं और 18वीं शताब्दी तक विश्व के व्यापार में लगभग 35 से 40% तक हिस्सेदारी रहती थी। भारत सोने की चिड़िया क्यों कहलाता था? आज हम देखते हैं तो भारत में पुराने जमाने से लेकर आज तक कोई सोने की बहुत बड़ी खदाने नहीं है। कर्नाटक में एक दो खदानें हैं, हीरे जवाहरात की, चांदी की बहुत ज़्यादा कोई खदानें अपने देश में नहीं पाई जाती। भारत में ये माना जाता है कि भारत का विज्ञान इतना उन्नत था, भारत के प्रोडक्ट इतने उन्नत थे, भारत के मसाले, भारत का वस्त्र उद्योग, भारत की विज्ञान और टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी थी कि विदेशों में लोग उसको लेते थे और विदेशों से सोना चांदी, कुछ रिसर्चर तो ये कहते हैं कि सोना चांदी बह बह कर आता था। मतलब व्यापार के माध्यम से भारत की टेक्नोलॉजी इतनी उन्नत थी कि बहकर सोना चांदी आता था। ये सोना चांदी कैसे आता था, इसका अंदाजा आप लगा लीजिए। दुनिया के लोग जब जंगलों में रहते थे, जब उन्होंने वस्त्र बनाना नहीं सीखा था, तो अपने भारत में उस समय से वस्त्र बनाए जा रहे हैं। अपने भारत से जो मसाले जाते थे, अमीर लोग उनको अपने मर्तबान में रखते थे और ये अमीरी की निशानी मानी जाती थी कि मेरे पास 1 किलो 2 किलो काली मिर्च हैं। जो हमारे कपड़े जाते थे, वो कपड़े इतने उन्नत टेक्नोलॉजी के होते थे कि उन कपड़ों को जब विदेशों में बेचने के लिए हमारे व्यापारी जाते थे तराजू के एक पलड़े पर। भारत कैसे विश्वगुरु था और कैसे कपड़े जाते थे, जब भारत के व्यापारी कपड़ा लेकर विदेशों में जाते थे तो विदेशों में हमारे भारत का कपड़ा तराजू के एक पलड़े पर रखा जाता था और उसकी कीमत कोई मीटर में या किलो में नहीं होती थी, तराजू के दूसरे पलड़े पर सोना रखा जाता था। तो हमारे कपड़े के बराबर सोना चांदी हीरे जवाहरात ये तुलकर हमारे देश में आता था, इतना बड़ा विज्ञान हमारा था। हमारे भारत में एक पूरा सिल्क रूट रहा है, जो रूट केवल सिल्क और वस्त्र उद्योग के लिए बनाया गया था। हमारे भारत में वस्त्रों का विज्ञान कितना उन्नत रहा है, इसका अंदाजा आप लगा लीजिए। दुनिया के दूसरे लोग या तो भेड़ के या दूसरे जंगली जानवरों के बालों से धागा बनाते थे, उनसे वस्त्र बनाते थे और उनके जो कपड़े बनते थे वो कपड़े नहीं होते थे, वो तो लबादे होते थे जिनको वो शरीर के ऊपर धारण करते थे, जो बहुत गर्म होते थे, बहुत मोटे होते थे। अपने भारत में वस्त्र विज्ञान इतना उन्नत था कि अंग्रेज जब भारत में आए, विदेशी लोग कई जब आए, तो उन्होंने जब रुई देखी तो उन्होंने ये कहा कि भारत के अंदर तो भेड़ का पौधा होता है। उनको ये नहीं पता था कि रुई जैसी कोई चीज़ वनस्पति के ऊपर, पेड़ के ऊपर लगती है। तो अपने भारत का वस्त्र विज्ञान कितना उन्नत था, इसके मैं एक दो उदाहरण आपके सामने रखूंगा। 9वीं शताब्दी में भारतीय वस्त्र उद्योग के बारे में ये कहा जाता था कि एक थान, कपड़े का पूरा थान अंगूठी के अंदर से निकल जाता है। 17वीं शताब्दी में फ्रांसीसी यात्री आया टेवर्नियर के नाम से। वो व्यापारी जो यहाँ पर आया तो वो यहाँ पर अपने कपड़े को देखकर कहता है कि कपड़े की बुनाई इतनी महीन की गई है कि किसी ने पहन लिया तो ये नहीं लगता कि पहना हुआ है कि नहीं पहना हुआ, सामने से देखने से वो व्यक्ति नंगा दिखाई देता है, इतना बारीक कपड़ा यहाँ पर बनता था। पर्शियन राजदूत एक बार अपने देश में आया और वो अपने सुल्तान के लिए गिफ्ट यहाँ से लेकर गया, तो उसने भरे दरबार में सुल्तान को नारियल का एक गिफ्ट दिया, नारियल का खोल। उस नारियल के खोल को दरबारियों ने आश्चर्य से देखा। जब सुल्तान ने खोला तो उस नारियल के खोल के अंदर 30 गज का मलमल का थान निकला। ये टेक्नोलॉजी हमारे भारत देश के अंदर थी। हमारे यहाँ जब अंग्रेज आए तो 18वीं शताब्दी में उन्होंने भारत से बना हुआ एक कपड़ा अपने इंग्लैंड में भेजा और उस कपड़े को जब काउंट किया गया कि ये कितना बारीक है, तो ये पाया गया कि उस कपड़े में जो धागा लगा हुआ है वो 2425 काउंट का है। आज भी हम आधुनिक मशीनों से जब धागा बनाते हैं तो 500 से 600 काउंट का ही धागा बना पाते हैं। जहांगीर का नाम आपने सुना है, जहांगीर के राज में, जहांगीर के काल में 15 मीटर लंबी, 1 गज चौड़ी मलमल के कपड़े का वजन केवल 100 ग्रेन होता था। एक ग्रेन मतलब 1 ग्राम में 15.5 ग्रेन होते हैं। इसका मतलब क्या है कि एक ग्रेन 1 ग्राम का 15वां हिस्सा है। तो लगभग 6 ग्राम में 15 गज लंबा और 1 गज चौड़ा मलमल का कपड़ा रहता था। इतनी टेक्नोलॉजी भारत के अंदर थी। अभी इस भारत के वस्त्र विज्ञान को दोबारा से विलुप्त हो गया है। पतंजलि ने एक नई पहल की है। पतंजलि ने बांस के वस्त्र बनाए हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि पूरी दुनिया में बांस पाया जाता है। बांस की लगभग 1500 वेराइटीज होती हैं। कुछ वैरायटी ऐसी हैं जो बहुत धीरे धीरे बढ़ती हैं, कुछ वैरायटी ऐसी हैं जो एक दिन में 1 मीटर बढ़ती हैं। बांस ऐसा है जो जंगल में अपने आप उगता है,
बांस को उगाने के लिए किसी प्रकार की अलग से खेती करने की, पेस्टिसाइड डालने की, किसी प्रकार के फर्टिलाइजर डालने की जरूरत नहीं पड़ती, बांस के लिए अलग से कोई पानी की जरूरत नहीं पड़ती, कम देखभाल में यह बांस खूब उगता है। तो इस बांस के वस्त्र पतंजलि ने बनाए हैं, विदेशों में यह वस्त्र चलते हैं, यूरोप में इसको फैशन माना जाता है, और जो बड़े बड़े एथलीट हैं वो जुराबें बांस के बने कपड़ों की पहनते हैं। तो बांस के वस्त्र कैसे बनाए जाते हैं, बांस का पल्प लिया जाता है, बैम्बू जिसको बोलते हैं, उसके पल्प से धागा बनाया जाता है, धागे की नीटिंग करके फिर कपड़ा बनाया जाता है। तो ये जो बांस के वस्त्र हैं ये चमत्कारिक वस्त्र हैं। ये बांस के वस्त्रों की और क्या क्या खास बात है मैं आपको दिखाता हूं। पतंजलि ने दो प्रकार के वस्त्र बांस के बनाए हैं, एक तो बनियान और दूसरे अंडरवियर। ये जो बनियान है ये बहुत इलास्टिक है और सॉफ्ट बहुत है, इसको आप देखेंगे जो शरीर के ऊपर पहनते हैं तो ये लगता ही नहीं कि मैंने पहनी हुई है। और ये दोनों कपड़े मैं अभी परिधान में गया तो मैंने ये लिए और लेकर जब मैंने पहना तो ये महसूस किया कि ये स्ट्रेचेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। हम जब इसको देखते हैं और इसको जब पहनते हैं तो बनियान पहनने के बाद ये लगता है कि बनियान पहनी हुई नहीं है। कोई यहाँ पर अभी मैं हरियाणा में रहा तो वहाँ पर खूब गर्मी थी अभी जून के कार्यक्रम में, लेकिन उस गर्मी में भी पसीना सोखने का काम करता है। ये जो बांस है इसका दूसरा गुण क्या है कि ये एंटी फंगल है। मतलब क्या है कि फंगस अपने आप इसमें पनपती नहीं है, पनपती है तो मर जाती है क्योंकि बांस के अंदर एंटी फंगल का गुण है। दूसरा इसके अंदर एक जो दूसरा गुण है वो है एंटी बैक्टीरियल। जीवाणु होते हैं, विषाणु होते हैं जो एक कोशिका के बने होते हैं, ये कहीं भी नमी का वातावरण मिलता है, कहीं भी सीलन का वातावरण मिलता है, पसीने का वातावरण मिलता है, तो ये अपने शरीर से शरीर के बाहर वातावरण के संपर्क में आकर पैदा होते रहते हैं। तो बांस के दो बड़े महत्वपूर्ण गुण है, एक तो एंटी फंगल और एक एंटी बैक्टीरियल। और ये प्रयोग मेरे घर में भी हुआ। मैं यहाँ पर जहाँ रहता हूँ वो गंगा के किनारे मेरा घर है और गंगा की नहर से लगभग 5-6 फीट नीचे पड़ता है, उसमें नमी रहती है, दीवारों के ऊपर 6 फीट तक नमी रहती है। तो अभी मैंने मकान चेंज किया तो दो कपड़े मेरे, दो अंडरवियर, एक तो ये बैम्बू का अंडरवियर और एक दूसरा अंडरवियर, ये अंडरगारमेंट वहाँ पर रह गए। वो 5 दिन तक 7 दिन तक वहाँ पर पड़े रहे। 7 दिन बाद मैंने देखा तो जो सामान्य सूती अंडरगारमेंट था उसके ऊपर हल्की हल्की नीली नीली हरी हरी काई आ गई, और जो अपना पतंजलि वाला अंडरगारमेंट था उसके ऊपर काई नहीं आई। तो जो एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल गुण है वो प्रूव हुआ। इस वस्त्र की और क्या खास बात है, कश्मीर के पश्मीना का नाम आपने सुना होगा जो बहुत सॉफ्ट होता है। तो कश्मीर का पश्मीना तो पशुओं से प्राप्त किया जाता है। हमारे जो वस्त्र बनते हैं उसके 3 सोर्स होते हैं। एक सोर्स होता है जानवरों का, जानवरों के बाल से, या इसमें रेशम का कीड़ा आ गया, जितने भी जानवर हैं, भेड़ है, ऊन है, बकरी है या खरगोश है, उनके बाल आ गए, उनसे धागा बनाया जाता है, धागे से कपड़ा बनाया जाता है। दूसरा सोर्स है वनस्पति का सोर्स, जैसे कपास से, जैसे दूसरी चीज़ों से, तो जैसे ये बैम्बू का बनाया है तो ये वनस्पति का सोर्स है। और तीसरा सोर्स है इंडस्ट्रियल सोर्स, जिसमें प्लास्टिक का, जिसको नायलोन हम बोलते हैं, नायलोन को बनाया जाता है। तो पशुओं का जो सोर्स है वो गर्म बहुत होता है, उसकी बुनाई बहुत बारीक नहीं हो सकती, उसके अंदर जीवाणु रोधक के गुण नहीं होते बल्कि जीवाणु पैदा होते हैं। सूती कपड़ा सबसे अच्छा माना जाता है। और अभी तो कपास के अंदर एक बड़ा षड्यंत्र हो रहा है कि कपास में बीटी कॉटन आ चुकी है। बीटी कॉटन के वस्त्र यदि कोई पहनता है तो बीटी कॉटन क्या है, बिनोले के बीज में, कपास के बीज में उन्होंने बिच्छू का जहर डाल दिया। क्यों डाल दिया, ताकि कपास के ऊपर कीड़े मकोड़े ना लगें। वो कपास के बिच्छू का जहर जो बीज में जेनेटिकली मॉडिफाई करके उन्होंने डाला, उसकी फसल से जब किसान निकलते हैं तो उनको खुजली होती है। उस बिनोले को जब हम पशुओं को खिलाते हैं तो वो पशु बीमार हो जाते हैं, उनको कैंसर जैसे रोग पैदा होते हैं। भाई देवेंद्र शर्मा जी हमारे पास आए थे, उन्होंने बताया कि बीटी कॉटन का प्रयोग करने से, बीटी कॉटन के सीड चूहों पर खिलाया गया तो चूहों को खिलाने के बाद कुछ ही महीनों में उनके ऊपर कैंसर के ट्यूमर निकल आए। और जो बीटी कॉटन का जो रेशा बनता है उस रेशे के अंदर भी जहर आता है। तो एंटी बैक्टीरियल तो वो होता है, लेकिन एंटी बैक्टीरियल के साथ साथ वो जो हमारा शरीर है, ये जो अंडरगारमेंट है, ये दो वस्त्र ऐसे वस्त्र होते हैं जो हमारे शरीर के सबसे नज़दीक होते हैं। 24 घंटे ये हमारे शरीर के बीच में और बाहर के वातावरण के बीच में एक बीच में परत का काम करते हैं। यदि इसमें किसी भी प्रकार का जहर है तो वो हमारी त्वचा के स्पर्श में आता है। और स्पर्श की क्या ताकत है, आपको पता होगा कि जब किसी को पी लिया होता है तो कुछ औषधियाँ ऐसी हैं जिनकी जड़ी बूटी की माला बनाकर यदि गले में डाल दी जाए तो ठीक हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि स्पर्श से गुण आते हैं। मेरे पास मिट्टी का गिलास रखा हुआ है, मेरे पास तांबे का जग पीछे रखा हुआ है, तो ये तांबे में पानी डालते हैं तो स्पर्श से उसके गुण आ जाते हैं। तो ये वस्त्रों का स्पर्श भी जो हमारे शरीर को होता है, तो अगर वो वस्त्र खराब है, नायलोन का है, तो उसका नुकसान हमें उठाना पड़ता है। ये बैम्बू का जो वस्त्र है इसकी और क्या खासियत है, इलास्टिक तो है, इसकी सॉफ्टनेस देखें तो जो पश्मीना होता है, पश्मीना के जैसी इसकी सॉफ्टनेस है।
दूसरा क्या है, ये बायोडिग्रेडेबल है। इसके साथ साथ इसकी और क्या खास बात है, थर्मो कंट्रोल के गुण हैं। गर्मी में जब हम पहनेंगे तो ये ठंडा रहेगा, सर्दी में हम पहनेंगे तो गर्म रहेगा। इसका और क्या गुण है, इसका बांस का जो रेशा है, बैम्बू का रेशा, इसका गुण है कि नमी को सोखता है। आपको पसीना आएगा तो पसीने की नमी को ये सोख लेगा। सूती कपड़े के मुकाबले कई गुना ज़्यादा इसके अंदर नमी को सोखने का गुण है। और इसके अंदर क्या गुण है, हमारे जो बगल में हम बात करें, जो भी हमारे जो प्रजनन अंग है या जो अंग एक साथ मिलकर रहते हैं, बगल है या नीचे जंघाएं जहाँ पर मिलती हैं, तो वहाँ पर दुर्गंध पैदा होती है, वहाँ पर बाल भी होते हैं, पसीना भी पैदा होता है, कीटाणु जीवाणु भी पैदा होते हैं। और बहुत से लोगों को ये समस्या होगी, मुझे भी रहती है, कि मुझे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। मैं सामान्य कोई या तो घर का बना हुआ सूती कपड़े का बिल्कुल शुद्ध बना हुआ अंडरगारमेंट अंडरवियर पहनूं, तो वो सिंथेटिक अंडरवियर या सामान्य सूती कपड़े का अंडरवियर पहनते हैं तो रात को इरिटेशन और इचिंग होती है और वो निकाल कर सोना पड़ता है। ये कपड़ा जब मैंने पहना तो इसको मुझे पहनने के बाद निकालने की जरूरत नहीं पड़ी है। मैं अपनी फीलिंग, अपना एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर कर रहा हूं। तो नमी को सोखने का इसमें गुण है। इसके साथ साथ इसके अंदर और क्या गुण है, इसके अंदर गुण है कि ये दुर्गंध को रोकता है, इरिटेशन नहीं करता, और बहुत सॉफ्ट है, मजबूत और टिकाऊ है। इसको आप हम पहनेंगे तो ये हमें बाद में हमें ऊब कर इसको डिस्कार्ड करना पड़ेगा, लेकिन ये फटने वाला नहीं है। धोने में बहुत आसान है, यूज करने में आसान है। और अभी बैम्बू के कपड़े यूरोप में फैशन बना हुआ है, जो महंगे महंगे बड़े बड़े लोग हैं वो बैम्बू के कपड़े पहनते हैं, जितने बड़े एथलीट हैं वो जुराबे बैम्बू की पहनते हैं। क्यों पहनते हैं, क्योंकि पैर हमारी एक ऐसी जगह है जहां से दुर्गंध ज्यादा आती है, पसीना ज्यादा आते हैं, और जो एथलीट दौड़ते हैं तो पसीना आता है, तो थोड़ा सा भी पसीना या नमी होती है तो फिसलने से उनकी जो ग्रिप है वो नहीं बन पाती, तो वो बैम्बू की बनी हुई जुराबे प्रयोग करते हैं। पतंजलि अभी बैम्बू की जुराबे नहीं बनाती है, परिधान की टीम से मैंने रिक्वेस्ट की है कि जुराबे और बना दी जाएं। तो बैम्बू की जुराबें जो बड़े विश्व स्तर के एथलीट हैं वो प्रयोग करते हैं। अगर नायलॉन की हम बात करें तो नायलॉन एक, ये बैम्बू को हम प्रयोग करें तो बायोडिग्रेडेबल है, मान लो वातावरण के ऊपर इसका कोई हानिकारक प्रभाव नहीं है। और बांस की खेती का जो बढ़ावा मिलता है, बांस का और क्या फायदा है, एक तो ये कहीं भी लगाया जा सकता है, इसके लिए कोई खेत की आवश्यकता नहीं है, पहाड़ के ऊपर भी लगा सकते हैं, मणिपुर में, अरुणाचल प्रदेश में, अपने आप उगता है। थोड़ा सा लगा दें तो कोई खाद की, पेस्टिसाइड की, उर्वरक की, किसी भी कीटनाशक की जरूरत नहीं है, कोई अलग से पानी देने की जरूरत नहीं है। इस बैम्बू के अंदर एक और गुण है, ये जो वातावरण से जो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है वो सामान्य पौधे के गुणा पौधे की तुलना में 5 गुना ज्यादा लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण 5 गुना ज्यादा करता है और जो ऑक्सीजन देता है वो 30% ज्यादा देता है। तो वातावरण की रक्षा के लिए भी बैम्बू को प्रोत्साहित किया जाए तो वो हमारे लिए अच्छा है। और ये बैम्बू के कंपेयर में यदि हम नायलॉन की बात करें तो नायलॉन एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। नायलॉन को जब बनाया जाता है तो ये बनाने में बहुत सी तो एनर्जी लगती है, बहुत सा इसमें पानी लगता है, वातावरण के लिए बड़ा अनुपयोगी है। और ये नायलॉन एक बार बन तो गया, बनाना तो आसान है, लेकिन इसको डिग्रेड होने में, मान लीजिए हमने ये पहना 2-3 साल तक पहना, 3 साल पहनने के बाद हमने इसको जमीन के ऊपर कहीं छोड़ दिया, धूप में, मिट्टी में या जमीन के नीचे दबा दिया, तो ये 5-7 साल में जमीन के अंदर मिल जाएगा, मिट्टी हो जाएगा। लेकिन नायलॉन का कपड़ा एक बार बन गया, उसको आप जमीन में दबा दीजिए, उसको आप पानी में फेंक दीजिए, उसको आप कहीं पहाड़ पर डाल दीजिए, तो वो 100-150 साल तक ऐसा ही रहता है, क्योंकि नायलॉन एक तरीके से प्लास्टिक है। तो नायलॉन का प्रयोग हमें वैसे भी कम करना चाहिए और सूती कपड़ा हम प्रयोग करें। सूती में भी यदि हम बात करें तो सूती के कंपैरिजन में ये बैम्बू का कपड़ा बहुत अच्छा है। ये मेरी फीलिंग है कि लोगों को अच्छी चीज मिलनी चाहिए, अच्छी चीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आप एक पीस लें, और एक पीस भी मैं कहता हूं दोनों मत लीजिए, अंडरवियर और बनियान मत लीजिए, केवल एक पीस, या तो अंडरवियर या बनियान एक बार लीजिए। इसकी फीडबैक आप देखिए, खुद पहनकर देखिए, 2-4-5 दिन तक प्रयोग कीजिए, आपको कैसा महसूस हो रहा है। और महसूस होने के बाद यदि आपको अच्छा लगे और आपको लगे कि पतंजलि ने एक अच्छा प्रयोग किया है, तो आप YouTube के ऊपर आप अपने कमेंट्स में अपनी फीडबैक जरूर दीजिए। और आपको लगे कि ये जो प्रोडक्ट है ये अच्छा नहीं है, उपयोगी नहीं है, तो आप अपनी नेगेटिव फीडबैक भी आप हमें दे सकते हैं। किसी और चीज़ की बात नहीं किए, केवल ये चीज़ की है कि आप एक बार इसको प्रयोग करके जरूर देखें। तो ये हमने लिव फिट के नाम से पूरा ब्रांड बनाया है, तो इस ब्रांड में पतंजलि परिधान ने ये निकाला है। तो अब समस्या आएगी कि आप लें कहाँ से इसको, तो सब जगह ये अवेलेबल नहीं है। तो इसको आप या तो हमारे 5-7 जगह भी स्टोर खुले हैं, वहां से आप ले सकते हैं, नहीं तो आप ऑनलाइन patanjaliayurved.net के ऊपर, जो हमारी ऑनलाइन पोर्टल है, ऑनलाइन वेबसाइट है, वहां से आप इसको बाई कर सकते हैं। नहीं तो दिल्ली के पीतमपुरा में हमारा एक स्टोर है, वहां से आप ले सकते हैं, या हरिद्वार से आप ले सकते हैं, ऑनलाइन आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये मैं चाहूँगा कि एक बार हमारा भारत का जो वस्त्र उद्योग था, एक जो नई पहल पतंजलि ने की है, इसका प्रयोग आप जरूर करके देखें, इसको एक बार महसूस करें कि ये अंडर
गारमेंट इतने अच्छे भी बन सकते हैं, इतने अच्छे हो सकते हैं, तो उसको आप जरूर प्रयोग करें। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।